पिता को खो चुके बच्चों के साथ जिम्मेदारों ने दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जहां भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ दिवाली मनाई, वहीं जिला मुख्यालय जबलपुर में विधायक अशोक रोहाड़ी और कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बच्चों के साथ बातचीत की और उनको उपहार दिए। कोविड के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने असमय अपनी जान गंवाई। इस त्रासदी में अनेक नौनिहालों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। ऐसे बच्चों को संबल प्रदान करने के लिए पीएम केयर्स योजना बनाई गई। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐसे बच्चों को हर संभव मदद और उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास करने का प्रण लिया। इसी कड़ी में रविवार को जिला मुख्यालय में ऐसे बच्चों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे विधायक अशोक रोहाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे सभी बच्चों को संबल प्रदान करने और उनके मन में यह भाव जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि भले ही उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अनाथ नहीं है। सरकार खुद उनकी अभिभावक बनकर उनके साथ खड़ी है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि प्रशासन ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने, शासन की योजनाओं का उन्हें लाभ दिलाने प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने रोचक प्रस्तुतियां भी दी। किसी नौनिहाल ने पहाड़ा सुनाया तो किसी ने ABCD, किसी ने गिनती सुनाई तो किसी ने गीत। बच्चे पहले तो प्रस्तुतियां देने में झिझके, लेकिन एक बच्ची के साहस करने के बाद जैसे ही कलेक्टर ने प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट की बात कही, एक एक करके अनेक बच्चे अपनी प्रस्तुतियां देने को तैयार हो गए। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को दीपावली मनाने के लिए गिफ्ट पैक दिया गया। इस मौके पर विधायक अशोक रोहाड़ी ने बच्चों के साथ नृत्य भी किया।